हम इस वक्त खड़े हैं मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में। 7 तारीख को मतदान होना है। हमारे साथ यहाँ की जनता है, यहाँ जनता जनार्दन है। जानने की कोशिश करेंगे कि इस क्षेत्र में पिछले 5 सालों में विकास के कौन कौन से काम हुए हैं और किस तरह से जो वादे किए गए थे, क्या वो वादे पूरे हुए। ये बताइए आप, क्या समस्या है यहाँ पे, किस कौन सा मुद्दा है यहाँ पे? मेन समस्या तो है यहाँ बेरोजगारी, जो अभी नया नवयुवक सब बौआ रहा है, कोई काम धाम है नहीं। और हम लोग सब चाहते हैं जो इस बार सरकार चेंज हो और तेजस्वी का सरकार है, जो हम लोग का तरह तरह का रोजगार निकलेगा, जो हम लोग उसमें अप्लाई करेंगे, भरेंगे, नौकरी करेंगे। तो आपको लगता है कि तेजस्वी रोजगार दे पाएंगे? हाँ, जरूर देंगे। 15 साल में तो नीतीश कुमार दिए नहीं, वो कम से कम 5 साल तेजस्वी यादव को देंगे, रोजगार मिलेगा, हम लोग करेंगे। 15 साल तेजस्वी यादव नहीं तो तेजस्वी। ये बताइए और लोग हमारे साथ, आपको लगता है कि विकास के काम हुए हैं यहाँ पे? विकास के काम तो अभी तक नहीं हुआ है, मगर हम लोग बीजेपी के वोट देंगे। ये क्या समस्या है यहाँ पे, समस्या जो निराकरण नहीं हो पाया? समस्या शुरू से ही चलते आ रहा है, अभी तक सही नहीं हुआ है। समस्या अभी नहीं हुआ है, शुरू से ही आ रहा है। जब से हम लोग पैदा नहीं ले तब से कोई प्लांट नहीं है, कुछ नहीं। हम लोग यहाँ से दूसरा देश जाते हैं कमाने के लिए, वहाँ के लोग बोलता है बिहारी लोग आ गया, क्योंकि तो पहले से रहता है ये सब व्यवस्था। तो हम लोग अभी यहाँ से कहीं नहीं जाते, तकलीफ इतना होता ही नहीं। तो लगता है कि बेरोजगारी जो है वो मुद्दा है इस बार, आपको भरोसा है 19 लाख नौकरी पे कि 10 लाख पे? देखिए, ये लोग तो जीतने के लिए कुछ भी बोल देता है। ये तो अब जीतने के बाद आदमी पूरा कर दे तो उसका सरकार कितना साल जाएगा ये तो कोई नहीं देख सकता है। मगर आदमी झूठ बोलता है, वादा कुछ करता है, करता कुछ और है, ऐसा बात है। यहाँ के जो विधायक पिछले पाँच साल से रहे, आपको लगता है कि वो आप लोग के उम्मीद पे खड़े उतरे हैं, विकास के काम किए हैं यहाँ पे? वो तो 5 साल से जब इलेक्शन आता है तो आते हैं और उसके बाद शक्ल अपना दिखाते नहीं, मगर आते हैं। और 5 साल के लिए लॉकडाउन था, पब्लिक के लिए इलेक्शन है तो उसका लॉकडाउन खत्म हो गया। पूछिए हैं मोदी से, पूछे हैं क्या क्या समस्या है यहाँ पे? मोदी हम जो बोलते उसका सवाल पहले करिए। ये बताइए, यहाँ पर कोई आदमी ऐसा बात आपसे सवाल नहीं? अरे यहाँ की समस्या क्या उसको बताइए। इलेक्शन खत्म होगा उससे फिर लॉकडाउन मारेगा वो। चलिए आप बताइए यहाँ पे क्या लगता है आपको? हम सर बोल रहे हैं विनोद कुमार यादव यहाँ पर। सर हमारे विधायक जो हैं आज तक केदार गुप्ता जी, ये हमारे बाकरपुर या कोनी प्रखंड में कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए। इसके बावजूद हमारे जो नीतीश जी जो बने हैं बिहार के अंदर में, या तक गरीबों को और अपने जो भी आदमी जो हैं दलितों को या कोई भी इंसानों को ये कुछ नहीं किए आज तक के लिए। कि हम लोग ड्राइवर आदमी हैं या गाड़ी ऑनर हैं, हम लोग हो गया भुखमरी बिहार के अंदर इनके कोरोना का संक्रमण भी जो आया, उससे मतलब नहीं है। कोरोना तो अब हुआ है ना, कोरोना तो अब हुआ है, लेकिन इनके बावजूद जब से जीते तब से हमारे बिहार में कुछ नहीं हुआ। मोदी जी पे भरोसा है? मोदी जी जो बोले हैं, मोदी जी पर भरोसा नहीं है? किन पे भरोसा? तेजस्वी यादव पे, जिंदाबाद पे हम भरोसा हम कर रखे हुए हैं। आप बताइए, आप कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव है 7 तारीख को, कैसे जनप्रतिनिधि को आप चुनेंगे? सर हम तो यही चाहते हैं कि तेजस्वी का सरकार हो। हमको 19 लाख नौकरी पर भरोसा नहीं है, पर 10 लाख नौकरी पर भरोसा है, ये संभव हो सकता है। तो यहाँ सड़क बिजली पानी की क्या स्थिति है? देखिए ना, अभी तो नल जल योजना चला है, सारा घोटाला हो गया, इसमें तो कुछ है ही नहीं है, पानी आता ही नहीं है। सड़क जो बना है, रोड अंदर चल के देखिए पूरा झरझर हो गया, सारा घुसखोरी चल रहा है। 30 लाख इस समय सारा जनता के मोमेंट है जो सरकार बदल देना। बिजली की स्थिति क्या है यहाँ पे? बिजली तो आता है 2-4 घंटा रहेगा, फिर कट जाएगा। अभी इलेक्शन आया है तो ठीक दे रहा है, इसके बाद फिर वही नतीजा रहेगा बिजली का। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि यहाँ पे जो काम होना था ये तब वो हुआ? चलिए, और हमारे साथ कुछ युवा हैं। अच्छा, ये बताइए, आपको लगता है कि बेरोजगारी एक बड़ा समस्या है यहाँ पे? जी, यहाँ का बहुत बड़ा समस्या बेरोजगारी है। तो किन पे भरोसा, 19 लाख के बीजेपी पे कि 10 लाख के तेजस्वी पे? देखिए, भरोसा तो किन्हीं पर तो करना होगा। हम लोग तेजस्वी ज़्यादा पर किए हैं कि 10 लाख नौकरी मिलेगा। लगता है कि 10 लाख आपको नौकरी वो तेजस्वी दे सकते हैं? अवश्य मिलेगा, जरूर मिलेगा। हम लोगों को आशा है और पूरा पूर्ण विश्वास है कि इस बार नौकरी पर कुछ होगा।
एक कुढ़नी के और लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए क्या काम करते हैं आप? स्टूडेंट है। स्टूडेंट जी। एक बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी जी। पहली बार किसी मैनिफेस्टो में, चुनावी मैनिफेस्टो में ये डाला गया है, लाया गया है। 19 लाख पे भरोसा है या 10 लाख पे? 10 लाख पे है। तो आपको लगता है कि तेजस्वी दे पाएंगे 10 लाख? उम्मीद तो है, क्योंकि बोले हैं तो विश्वास तो किसी पर ना किसी पर तो करना ही पड़ेगा ना। पिछले अभी तक ले तो हम लोगों को कुछ मिला नहीं, हम लोग तो रोड पे घूम रहे हैं, एक स्टूडेंट हो के नौकरी के लिए वहाँ वहाँ भटक रहे हैं। जो बोलते हैं कभी कोई कुछ करता नहीं है। अगर बोले हैं तेजस्वी तो उनके बात पर हमारी विश्वास पर उतरते हैं, कुछ मिलेगा। चलिए, यहाँ कुढ़नी के जो लोग हैं वो उनको विश्वास है कि अब जो है यहाँ पिछले पाँच सालों में विकास जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। अब 7 तारीख को ये लोग अपना मत देकर बताएंगे कि मौजूदा जो जनप्रतिनिधि हैं उनको रखेंगे या फिर उनको बदलेंगे। कैमरा पर्सन सूरज के साथ मृत्युंजय श्रीवास्तव, कुढ़नी, बिहार तक।